हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनिल कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट सेकेंड। इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी स्केलेटल सिस्टम है उसकी पैथोलॉजी का पोर्शन, ठीक है, जो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसके बारे में देखेंगे। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो बना था उसमें हमने देखे थे जो भी एनाटोमी और फिजियोलॉजी है स्केलेटल सिस्टम की उसके बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके अंदर जो भी डिजीज पोर्शन के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है मैंने उनको ऐड किया है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट सेकेंड है। इसके बाद में जो वीडियो बनेगा वो बनेगा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पीछे के एग्जाम में आए हुए और जिनके आगे आने की संभावना रहती है उनके बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपको जरूर देखना है। तो आप अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। स्पाइनल एबनॉर्मेलिटीज में हम देखेंगे जैसे लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है और स्कोलियोसिस है उसके बारे में। तो स्पाइनल एबनॉर्मेलिटी में सबसे पहले देखेंगे हम स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या है? ये लेटरल डेविएशन देखने को मिलेगा, एन एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन या साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ठीक है। जो भी स्पाइन है उसमें आपको लेटरल डेविएशन देखने को मिलेगा, यानी जो स्पाइनल आपको जो स्पाइन दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, एक साइड में मुड़ा हुआ दिखाई देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस, ठीक है। सेकंड देखिए इसमें लॉर्डोसिस, इसको हम स्वे बैक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्वे बैक से, क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो भी लंबर स्पाइन है उसमें आपको एग्जैगरेशन देखने को मिलेगा। एग्जैगरेशन क्या मतलब है? एबनॉर्मल बढ़त, मतलब आगे की तरफ खिसका हुआ एबनॉर्मली, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ये कौन सी सिचुएशन है, ये है लॉर्डोसिस। फर्स्ट हमने देखी स्कोलियोसिस, सेकंड है लॉर्डोसिस और थर्ड हम देखेंगे वो है काइफोसिस। तो जो काइफोसिस है हम उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम विंडोहेम और हम बैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जो विंडोहेम है और हम बैक है वो कौन सी स्पाइनल जो भी एबनॉर्मलिटी है वो कौन सी है, वो है काइफोसिस। और लॉर्डोसिस को हम स्वे बैक के नाम से जानते हैं। जो काइफोसिस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको एग्जैगरेशन देखने को मिलेगा, किसमें, थोरेसिक स्पाइन में। जो भी थोरेसिक स्पाइन है उसमें आपको एग्जैगरेशन देखने को मिलेगा। लॉर्डोसिस में किसमें देखने को मिल रहा था, लंबर स्पाइन में, और यहाँ पे आपको थोरेसिक स्पाइन में। अभी आपको मैं डायग्राम से बता देता हूँ। इसमें देखिए ये क्या है, एक नॉर्मल स्पाइन है, ये है नॉर्मल स्पाइन, ये आपका एकदम सीधा व्यू है। अगर आप लेटरल से देखोगे तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। काइफोसिस ये देखिए, ये है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या है, ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है इसके अंदर आपको एग्जैगरेशन देखने को मिल रहा है आगे की तरफ, ये क्या रही है, इसमें आपको उभार देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये है लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस में आपको लंबर स्पाइन में देखने को मिलेगा, ये है लंबर स्पाइन, इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, एग्जैगरेशन देखने को मिल रहा है। और लेटरल डेविएशन ये देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऐसे टेढ़ी हुई रखी है, मुड़ी है, ये पीछे से देखोगे तब आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये क्या है, स्कोलियोसिस, ये है स्पाइनल एबनॉर्मलिटीज। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्वे बैक, विंडोहेम, हंपबैक ऐसे पूछ लेते हैं, स्कोलियोसिस पूछ लेते हैं। स्कोलियोसिस के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो क्या है, एडम फॉरवर्ड टेस्ट, वो मैंने आपको जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें बताया था, ठीक है। ये तीनों आपको एक बार देख लेने, इम्पोर्टेंट है। इसमें अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर और फ्रैक्चर के टाइप से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसके जो भी की पॉइंट है हम वो भी देखेंगे। फ्रैक्चर को देखिए, ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन, जो बोन की कंटिन्यूटी है उसके अंदर ब्रेकनेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर, ठीक। तो देखिए इसमें टाइप ऑफ फ्रैक्चर, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर। इसमें बोन फ्रैक्चर होती है लेकिन स्किन है उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहती है, जो भी फ्रैक्चर एरिया है वहाँ की जो स्किन है वो नॉर्मल रहती है, उसमें आपको कोई भी किसी तरीके का ब्रेकेज है वो देखने को नहीं मिलेगा, वो क्या है, क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी बोन है उसके बहुत सारे पीसेज हो जाते हैं, जो बोन है वो क्रश हो जाती है बहुत सारे टुकड़ों में, वो क्या है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। बोन है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कंप्लीट फ्रैक्चर,
इसमें जो बोन है वो पूरी तरह से दो हिस्सों में टूट जाती है। तो समझिए, देखिए जैसे ये एक बोन है, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे दो हिस्सों में टूट जाएगी। ये क्या हो गई, ये क्या है, कंप्लीट फ्रैक्चर, ठीक है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो भी फ्रैक्चर बोन है उसका पार्ट इंक्लूसिव दूसरी बोन में धस जाता है। ये क्या है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। एक बोन है, फ्रैक्चर हुई है, तो उसका पार्ट टूट कर दूसरी बोन के अंदर घुस जाता है, उसको हम बोलते हैं इंपैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में वो इसी से आया है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें बोन का एक हिस्सा तो टूट जाता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। इसमें बोन है वो एक साइड से करीब हो जाती है और दूसरी साइड में मुड़ जाती है, इसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्या, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। कॉमनली चिल्ड्रन में पाया जाने वाला फ्रैक्चर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बोन थोड़ी सी टूटी है और थोड़ी सी मुड़ गई है, ये क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बच्चों में सबसे ज्यादा देखा जाता है फ्रैक्चर है। इसको मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है एक तरीके से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, जो सभी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है और जो भी सभी डिजीज पोर्सन है, मैं उसका ऐसे क्रैश कोर्स करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। तो आप ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट है ओब्लिक फ्रैक्चर। इसमें क्या है, बोन में जो फ्रैक्चर लाइन है वो ओब्लिक वे में दिखाई देगी। जैसे ये कोई ऐसे बोन है, ठीक है, इसमें जो फ्रैक्चर है वो ऐसे दिखाई देगा, ये क्या है, ओब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें जो भी फ्रैक्चर बोन है वो स्किन से बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देगी, यानी जो भी बोन है वो क्या है, स्किन को छेदते हुए बाहर तरफ निकल जाएगी, वो क्या है, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उसकी इंजरी और इन्फेक्शन है वो आपको देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन तो कॉमन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो बोन है वो बाहर ही आ गई है, ठीक है, ये क्या है, एक ओपन वाउंड फ्रैक्चर हो गया, ठीक। तो ये क्या है, ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। किसी बीमारी के कारण से जो फ्रैक्चर होता है उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो फ्रैक्चर है वो इसमें क्या है, जो बोन डिजीज है उसके कारण से होता है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, बोनी मेटास्टेसिस है और ट्यूमर है, उसके कारण से क्या होती है, जो हड्डी है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और टूटने लगती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें बोन अपने आप ही टूटने लग जाएगी। अगर बोन खोखली हो जाएगी, बोन के अंदर छेद होने लग जाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन में, तो उसमें क्या है कि जो बोन है वो अपने आप ही टूटने लगती है, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। इसमें जो भी बोन में जो फ्रैक्चर लाइन है वो क्या है, आपको पार्शली इन सर्कल वे में देखने को मिलेगी। तो इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें क्या है कि इसमें जो भी फ्रैक्चर है वो शाफ्ट के स्ट्रेट अक्रॉस होता है। जैसे ये आपकी बोन है, ठीक है, तो इसमें सीधा जो फ्रैक्चर हुआ वो क्या है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, कि वो एकदम सीधे स्ट्रेट अक्रॉस उसको क्या करता है, ब्रेक इसमें देखने को मिलता है। अब कुछ डायग्राम दिखाता हूँ जो आप नॉर्मली समझ जाओगे। ये है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है, और ये देख सकते हो ये है लाइनर फ्रैक्चर है, ये ओब्लिक फ्रैक्चर है जो ये बताया था अभी, ठीक है। ये क्या है, ओब्लिक डिस्प्लेस्ड, मतलब यहाँ पे क्या है, जो कंटिन्यूटी थी वो ओब्लिक में हुई थी, ठीक है। ये स्पाइरल हो गया आपका, ये आपका ग्रीन स्टिक हो गया, एक साइड से टूटा हुआ एक साइड से मुड़ा हुआ, ठीक है। ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसमें बोन है वो कई पीसेज में टूट जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो ये था क्लासिफिकेशन था फ्रैक्चर का, जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जो भी क्लिनिकल फीचर्स है फ्रैक्चर के, उसके बारे में। इसमें देखिए फ्रैक्चर साइट पे आपको पेन है वो देखने को मिलेगा, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो क्या होगा, फ्रैक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो क्या होगा, वो होगा पेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, सिम्टम है वो, आपको पेन देखने को मिलेगा। इसमें फ्रैक्चर लिम को मूव करने पे आपको क्रेपिटस साउंड है वो देखने को मिलेगा, चटकने की आवाज है वो देखने को मिलती है, अगर कोई भी लिम्ब है वो फ्रैक्चर हुई है, ठीक है। अगर उसको आप मूव करोगे, मूवमेंट करवाओगे, तो उसमें आपको क्रेपिटस साउंड है वो देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 5 PS साइन है वो देखने को मिलेंगे। 5 PS में 5 P, जिसमें पेन हो गया, पल्सनेस हो गया, पेरेस्थेसिया और पेरालाइस वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी। ये भी इसका क्लिनिकल फीचर है, किसका, फ्रैक्चर का, ठीक। ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट फीचर है,
फ्रैक्चर के नेक्स्ट हम देखेंगे हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं उसके बारे में, तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म या मोस्टली जो भी लॉन्ग बोन है जैसे फीमर है, ह्यूमरस है, उनके अंदर फ्रैक्चर होने से आपको क्या देखने को मिलता है, फैट एम्बोलिज्म वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो भी लॉन्ग बोन है उसके फ्रैक्चर के 48 से 72 घंटे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 48 to 72 आवर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, फैट एम्बोलिज्म। इसमें क्या है कि जो भी फैट ग्लोबुल्स है वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। और फैट एम्बोलिज्म में आपको जो भी चेस्ट है वहां पे आपको रेड स्पॉट्स है वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं बात करता हूँ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये भी जो भी फ्रैक्चर है उसका कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो भी एनाटोमिकल स्पेस है उस पे अगर टिश्यू पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। पर टिश्यू प्रेशर पड़ने से क्या होगा कि वहां पे ब्लड सप्लाई है वो हो जाएगी कम, जिससे इस्केमिया की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी एनाटोमिकल स्पेस है वहां पे टिश्यू प्रेशर होने के कारण से वहां पे क्या है कि वहां की जो भी ब्लड सप्लाई है वो तो कम हो जाएगी, उसके कारण से आपको इस्केमिक कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो वो क्या होगा, फेशियोटोमी। ये एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा फ्रैक्चर्स के जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उनके बारे में एग्जाम में से जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम देखेंगे जो भी फ्रैक्चर के की पॉइंट है उनके बारे में जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए श्योर साइन ऑफ फ्रैक्चर, श्योर साइन वो क्या है, अबनॉर्मल मोबिलिटी, ये क्या है, श्योर साइन है, ठीक है। कॉमनेस्ट कोज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वो क्या होगा, वो होगा ऑस्टियोपोरोसिस। पैथोलॉजिकल जो भी फ्रैक्चर है मैंने बताया था ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें नाम मैंने लिया था, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, उसमें हड्डियों में पोर होने लगते हैं जिसके कारण बोन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाएगी और वो टूटने लग जाती है, तो वो क्या है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फैक्टर इन फ्रैक्चर हीलिंग। अगर जो जो भी फ्रैक्चर है अगर उसको हील करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है इमोबिलाइजेशन, यानी उसको क्या करना है, स्थिर करके रखना है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उस बोन के एरिया को क्या करना है, इनमोबिलाइज करना है, स्थिर करके रखना है। इसीलिए हम क्या करते हैं उस पर, आप देखते हो उस पर कास्ट है, जो प्लास्टर है वो बांधा जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर वाली साइट पे, कि वो साइट है वहां पे किसी तरीके का मूवमेंट ना हो और जो फ्रैक्चर वाला एरिया है वो क्या है, जल्दी से क्या हो सके, हील हो सके। नेक्स्ट इसमें देखिए मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन इन्फेंट। यहाँ पे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन होना चाहिए, तो बोन है वो कौन सी होगी, वो होगी क्लेविकल। क्लेविकल में सबसे ज्यादा जो भी फ्रैक्चर है वो देखने को मिलते हैं इन्फेंट, अगर सबसे ज्यादा जो इन्फेंट है उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली जो फ्रैक्चर पाया जाता है, जो भी फ्रैक्चर बोन है वो कौन सी होगी, वो होगी क्लेविकल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कार्पल बोन वो कौन सी है, वो है स्कैफोइड। एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड बोन है वो कौन सी होगी, वो होगी ल्यूनेट। और सबसे बड़ी कार्पल बोन वो है वो कौन सी है, वो है कैपिटेट, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में बताया था मैंने। हेड ऑफ फीमर फ्रैक्चर, अगर फीमर का जो भी हेड है उसमें फ्रैक्चर है वो देखने को मिले तो उसको हम पिपकिन फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पोर्ट फ्रैक्चर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पोर्ट फ्रैक्चर किसी कहते हैं, फ्रैक्चर ऑफ लोअर ऑफ लेटरल कॉन्डाइल टीबिया एंड फिबुला, जो भी एंकल है उसमें आपको पोर्ट फ्रैक्चर वो देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो भी सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके अंदर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है वो कौन सी बोन में देखने को मिलेगा, तो वो हो गए C5। जो C5 वर्टिब्रा है वो क्या है, मोस्ट कॉमन एंड ससेप्टेबल फ्रैक्चर के लिए, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, इसको हम किस नाम से जानते हैं, कोल्स फ्रैक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कोल्स फ्रैक्चर से। बम्पर फ्रैक्चर किसको बोलेंगे, फ्रैक्चर ऑफ लेटरल कोंडाइल ऑफ टीबिया, उसको हम बम्पर फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे, वहां पे आप इसकी पीडीएफ है वो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्सर फ्रैक्चर, जो 5th मेटाकार्पल बोन है उसके अंदर जो भी फ्रैक्चर होता है उसको हम बॉक्सर फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। जेफरसन फ्रैक्चर, इसको ये क्या है, फ्रैक्चर ऑफ एटलस बोन, फ्रैक्चर ऑफ एटलस बोन हम उसको जेफरसन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। हैंगमैन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ एक्सिस बोन हम उसको किस नाम से जानते हैं, हैंगमैन फ्रैक्चर के, ठीक
ठीक है, जो फ्रैक्चर की पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ट्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्चर के में हम क्या देते हैं, ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन इसका क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का जो भी मेन पर्पज होता है वो है मसल स्पाज्म को कम करना, मसल स्पाज्म को एलिमिनेट करना। एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। द मेन पर्पज ऑफ द ट्रैक्शन इज टू रिमूव और टू एलिमिनेट द मसल स्पाज्म। ठीक, वो क्या है, ट्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे बक ट्रैक्शन। बक ट्रैक्शन इसको जो भी लोअर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर है उसमें काम में लिया जाता है। कौन सा, बक ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रसल ट्रैक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसे, हैमिल्टन, इसको हम हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। रसल ट्रैक्शन को हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जो फीमर के फ्रैक्चर है उसके अंदर इसको काम में ले जाते हैं। जो फीमर बोन है, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम रसल ट्रैक्शन को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है ब्राइन ट्रैक्शन और गेलॉक ट्रैक्शन, आप इसको बच्चों का ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। 2 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके लिए काम में लिया जाता है ब्राइन ट्रैक्शन, और हम इसको गेलॉक ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में इसी आया था, गेलॉक ट्रैक्शन थे। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई अदर नाम से बहुत कम बताते थे, वो ब्राइन ट्रैक्शन ही पढ़ते थे। ठीक है, तो गेलोक ट्रैक्शन से आगे तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि गेलोक ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ब्राइन ट्रैक्शन है उसको हम गेलोक ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ब्राइन ट्रैक्शन में क्या होता है, जो 2 साल से कम के ईयर के बच्चे हैं उसके अंदर अगर फीमर है वो फ्रैक्चर हो जाए तो हम उसको कौन सा ट्रैक्शन देते हैं, वो होता है ब्राइन ट्रैक्शन और गेलोक ट्रैक्शन। इसमें जो भी चाइल्ड है उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 12 kg से भी कम, ठीक है, उसको हम कौन सा ट्रैक्शन देंगे, ब्राइन ट्रैक्शन या गेलोक ट्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट इसमें है डनलॉप ट्रैक्शन। ये क्या है, जो भी सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर है या फिर ट्रांस कोंडाइलर फ्रैक्चर है उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, सुप्रा कोंडाइलर और ट्रांस कोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ फुमरस, उसके अंदर कौन सा ट्रैक्शन देते हैं, वो है डनलॉप ट्रैक्शन। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप कोई भी क्लाइंट है उसको स्केल्टन ट्रैक्शन दे रहे हो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, पिन केयर। जो भी पिन है उसकी केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि उस पिन साइट को देखना कि वहां पे किसी तरीके का कोई अब्डोमिनल फ्लूड तो नहीं आ रहा, वहां पे पस वगैरह तो नहीं है, वो क्लीन है साइट। ठीक है, तो पिन केयर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वहां पे पस वगैरह वो देखने को मिलेगी तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे जो भी आर्थराइटिस है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं गाउटी आर्थराइटिस। तो गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, जो भी जॉइंट्स है उसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल है उनका डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसके कारण से क्या है कि जब वो मूवमेंट है उनको करने में क्या होती है, परेशानी होती है क्लाइंट को। ठीक है, तो ये क्या है, गाउटी आर्थराइटिस। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, पेनफुल और स्वेलिंग रेडनेस इन जॉइंट्स। तो जो भी जॉइंट्स है वो कौन कौन से है, जैसे ग्रेट टोई है, मिड टोई है और एंकल है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और वहां पे क्या होगा, पेन, ये गाउटी आर्थराइटिस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसके ट्रीटमेंट में हम क्या काम लेते हैं, NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जैसे इंडोमेथासिन है। नेक्स्ट इसमें देखिए एलोपिरिनोल, ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है गाउटी में। अगर किसी को क्रोनिक गाउटी है तो उसके लिए कौन सी ड्रग काम लेते हैं, वो है कोल्चिसिन। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऑस्टियो आर्थराइटिस में, ये क्या है, मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, तो उसमें मोस्ट कॉमन है वो आपको कौन सा देखने को मिलता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की। इसके अंदर क्या है, यह एक नॉन इंफ्लामेटरी डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज है। ठीक है, ये जॉइंट की क्या है, नॉन इंफ्लामेटरी डिजनरेटिव डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके साइन सिम्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, हेबर्डन नोड्स और बोस्टर्ड नोट्स ये देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है हेबर्डन नोट्स पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है हेबर्डन नोट्स है वो किस में देखने को मिलते हैं, तो वो किस में देखने को मिलेंगे, ओस्टियो आर्थराइटिस में। ठीक है, क्वेश्चन वो गलत नहीं करने, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी डिटेल में नहीं ले रहा कि कोई थ्योरी लिख दी कि बस क्या क्या देखने को मिल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है, जो भी इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है, सिर्फ मैं उन्हीं को ही क्या लेता हूँ, नोट डाउन करवाता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या है कि जो भी आर्थराइटिस है इसमें क्या किसको इफेक्ट करता है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है और साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट है उनको अफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या है, एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि जो भी बॉडी है वो अपने टिश्यू पे क्या करने लग जाती है, अटैक करने लग जाता है, ठीक है। ओवन टिश्यू पे क्या होने लग जाता है, अटैक करती है बॉडी, ये वो इसमें आपके जॉइंट पे आ गए, ये क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसके साइन सिम्टम्स से। इसमें देखिए स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो फिंगर्स है उसमें आपको स्वान नेक डिफॉर्मिटी है वो देखने को मिलेगी, जो फिंगर्स है वो आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी, एस शेप में स्वान नेक में, ठीक है। और जो भी थंब है वो उसमें आपको जेड थंब डिफॉर्मिटी है वो देखने को मिलती है, ये आपको थंब में देखने को मिलती है, अंगूठे में देखने को मिलती है जेड थंब डिफॉर्मिटी, और स्वान नेक डिफॉर्मिटी है वो फिंगर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जब डायग्नोसिस करोगे उसमें आपको इलेवेटेड ईएसआर देखने को मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी और जेड थंब डिफॉर्मिटी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, इन्फेक्शन इन बोन, तो इसमें जो भी बोन है और बोन मेरो है इसमें आपको इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है वो देखने को मिलेगा, उसको हम क्या नाम से जानते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। जो भी 50% केस है ऑस्टियोमाइलाइटिस के वो किसके कारण से होते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण से। उसमें आपको जो भी बैक्टीरिया वो कौन सा देखने को मिलेगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, किसमें, ऑस्टियोमाइलाइटिस में, जो भी बोन इन्फेक्शन है उसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब उसमें पोर हो गए, छेद हो गए, उसके बारे में। इसमें देखिए इसमें बोन और बोन मास में क्या है, बोन डेंसिटी में आपको कमी दिखाई देगी जिसके कारण से बोन फ्रैक्चर होने लगेगी और फ्रेजाइल होने लगेगी, ठीक है। बोन मास में कमी देखने को मिली है, हड्डी में क्या होने लगे, पोर होने लगे, छेद होने लगे, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये क्या है, मोस्ट प्रिवेलेंट बोन डिजीज है, ठीक है। वर्ल्ड की मोस्ट प्रिवेलेंट बोन डिजीज कौन सी है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। यह पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मुख्य कारण है, जो भी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, उसका मुख्य कारण क्या है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में मैंने बताया था, उसमें एग्जाम्पल में मैंने ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यतः जो भी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्यों, ऑस्ट्रोजन की कमी के कारण। जैसे मेनोपॉज में आप क्या देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल है वो कम देखने को मिलेगा, जिसके कारण है कि हड्डियां वो कमजोर होने लगती है, ठीक। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आपको कॉमनली देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसको ऑस्ट्रोजन है आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। इंजेक्शन आते हैं, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल इनटेक, जो भी वुमेन है या जो भी क्लाइंट है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस है तो आप उसको मना करोगे वो एल्कोहल का इंटेक ना करे, स्मोकिंग ना करे, ठीक। नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे ऑस्टियोमलेशिया, ये क्या है, बोन सॉफ्टनिंग है। इसमें इम्पेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म के कारण क्या होता है, जो बोन है वो क्या होने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है। इसमें मैनेजमेंट में वही करना है, विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट है आपको देने हैं, ठीक। नेक्स्ट है पैगेट डिजीज, तो पैगेट डिजीज में क्या होता है, इसके अंदर जो भी बोन है अबनॉर्मल बोन ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें देखिए यह बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस का एक डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी पुरानी बोन को अब्जॉर्ब करके एक अबनॉर्मल बोन का निर्माण करती है, ठीक है, एक अलग ही अबनॉर्मल बोन का निर्माण करती है, वो क्या है, पेगेट डिजीज, समझ गए। लास्ट में बात करता हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम, इसमें आपको एक नमनेस और टिंगलिंग हैंड जो भी सेंसेशन है वो हैंड में देखने को मिलेंगे, आर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी नर्व है रिस्ट की उसको पिंच करने पे, वो क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम। और इसको इसके लिए कौन सा टेस्ट है, जो साइन है वो कहते हैं, वो होता है टेनियल साइन, टेनियल साइन टेस्ट किया जाता है, जो भी अफेक्टेड नर्व है उसको पिंच किया जाता है तो वहां पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, वो किसको इंडिकेट करेगा, कार्पल टनल सिंड्रोम को, ठीक है। तो ये था पैथोलॉजिकल पार्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, ये इसका सेकेंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट था, जो भी पैथोलॉजिकल पॉइंट है वो मैंने आपको सभी बताए हैं, ठीक है। तो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, सिर्फ 699 रुपये में कोर्स अवेलेबल है 1 साल के लिए, नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स। उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी,
मेगा टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब्जेक्ट टेस्ट, नो नर्सिंग पार्ट, वो वीडियो लेक्चर वो देखने को मिलेंगे। सीएचओ एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जो भी सीएचओ एग्जाम है उसके लिए 399 रुपये में कोर्स अवेलेबल है 1 साल के लिए। उसमें भी आपको पीडीएफ, मेगा टेस्ट, प्रीवियर के पेपर, कम्युनिटी के टेस्ट और जीके रीजनिंग और वीडियो देखने को मिलेंगी, वो भी 1 साल के लिए। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे नॉट सेट, ESIC, RRB, उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स परचेज कर सकते हो। सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, तो उसके लिए आप कोई सीएचओ का कोर्स ले सकते हो, वो है 399 रुपये में 1 साल के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो देखेंगे इसके मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। तो ये था मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एप्लीकेशन का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हो।